भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में और उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है। पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, वो किनके साथ हैं, किनके साथ नहीं हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, सभी जानना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि पवन सिंह की माँ, बहन और पत्नी सभी के बारे में और वो क्या करते हैं रूटीन में सभी जानना चाहते हैं। लेकिन आज हम पवन सिंह के बेटे की बात करेंगे। आप चौंक गए ना, चौंकिए मत, लेकिन आपको ये बता दें कि अपने बेटे से भी ज़्यादा अगर पवन सिंह ने किसी को प्यार किया है तो सत्या, जी हाँ, जो उनका भतीजा है उसे बहुत प्यार करते हैं पवन सिंह। और कई मर्तबा आपने देखा होगा कि जब पवन सिंह आरा वाले अपने घर पर रहते हैं अपनी माँ अपने परिवार के साथ, तब उनका भतीजा सत्या उन्हीं के साथ ही आपको नज़र आएगा। ऐसे भी पवन सिंह को बच्चे बहुत पसंद हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ ही रोज़ पहले पवन सिंह से कुछ उनके छोटे फैंस मिलने आए। जैसे ही पवन सिंह को पता चला कि उनके कुछ छोटे फैंस उनसे मिलने आए हैं, तो पवन सिंह ने तुरंत बगैर देरी किए अपने फैंस से मिले, सेल्फी खिंचवाई और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बड़े ही प्यारे प्यारे गिफ्ट भी दिए पवन सिंह ने। खैर, हम बात सत्या पे करेंगे। आपको बता दें कि फिल्म सत्या जब आई थी तभी उनके भतीजे का जन्म हुआ था और उस फिल्म के सक्सेस को देखते हुए पवन सिंह ने अपने भतीजे का नाम हॉस्पिटल में ही सत्या रख दिया और तब से सत्या के से उनका कुछ अलग ही लगाव और जुड़ाव हो गया है। वैसे जितना पवन सिंह फेमस है उतना सत्या भी फेमस है। सत्या को पवन सिंह के हर फैंस जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से तो जान ही जाएंगे। वैसे भी सोशल मीडिया पर हमेशा अफवाहें उड़ती रहती हैं कि पवन सिंह जल्द ही पिता बनने वाले हैं, पवन सिंह जल्द ही पिता बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा अभी तक पवन सिंह ने अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी नहीं दिया। वो हो सकता है इसलिए कि अपनी पर्सनल लाइफ को पवन सिंह हमेशा मीडिया से दूर रखना चाहते हैं। वैसे कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।